अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शैम्पे सलोर, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। और आज का अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे यानी प्रोटीन्स, और इसका एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स ये सब इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन इसका डिफिनेशन है यानी लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड डेट कंटेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर इज कॉल्ड प्रोटीन। यानी प्रोटीन का डिफिनेशन है यानी इसका सादा डिफिनेशन है यानी ये लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी ये रिक्वायर्ड हो फॉर ग्रोथ यानी ग्रोथ के लिए तो इसमें यानी ये डिपेंड करता है कार्बन पे का हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे और बाज़ औक़ात सल्फर पे। तो इसको हम प्रोटीन कहते हैं यानी ये मुश्तमिल हो कार्बन पे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन पे और बाज़ औक़ात सल्फर पे, तो इसको हम प्रोटीन कहते हैं यानी इसका ये डिफिनेशन है प्रोटीन का। और इसके बाद यानी एनर्जी प्रोडक्शन, इसका एनर्जी प्रोडक्शन है यानी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ऑफ पुली एंड ऑक्सीडाइज प्रोड्यूस अबाउट 18 किलो जॉल ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी प्रोडक्शन यानी इसमें यानी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन यानी जब ये पुली ऑक्सीडाइज हो यानी 18 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी ये पैदा करता है। और इसका प्लांट सोर्सेज यानी इसका प्लांट सोर्सेज है यानी प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर बीन्स पल्सेज आर बीन मिनरल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और प्लांट सोर्सेज यानी प्रोटीन यानी प्लांट सोर्सेज प्रोटीन यानी बीन लोबिया को कहते हैं और पल्स और मिनरल और सीरल्स और ड्राई फ्रूट्स यानी खुश्क मेवा। और इसके बाद यानी एनिमल सोर्सेज, और एनिमल सोर्सेज में प्रोटीन यानी चीज़ पनीर और मिल्क यानी मिल्क पोल्ट्री फिशेज मटन एंड बीपो। और इसके बाद मेटाबॉलिज्म, इसका मेन मेटाबॉलिज्म मौजूद हो यानी प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड बाय और डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी प्रोटीन ये मौजूद हो अमीनो एसिड में और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और बॉडी कैन कन्वर्ट दिस अमीनो एसिड्स बैक इनटू प्रोटीन्स। और हमारा बॉडी जो है ना ये अमीनो एसिड यानी ये बैक हो प्रोटीन में, एक्सेस अमीनो एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, द नाइट्रोजन इज एक्सर्टेड हैज अ केमिकल कॉल्ड यूरिया। और यानी एक्सेस अमीनो एसिड यानी ये जब रिमूव हो यानी ये जब रिमूव हो हमारी बॉडी में तो नाइट्रोजन यानी केमिकल तो यानी जब केमिकल हो तो ये यूरिया, इसमें यूरिया मौजूद हो, द लिवर मेक्स यूरिया एंड किडनी पुट्स द यूरिया और यूरिनो। और लिवर जब यानी यूरिया में तो हो तो हमारे किडनी जो है ना यानी ये यूरिन को कास करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, आगे तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।